नील की बात सुनने के बाद ना एक पल के लिए मैंने भी हार मान ली, पर किसी ने मुझे कुछ एडवाइस दी। उसने मुझे ये कहा कि अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल दें तो वो प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के नए तरीके मिल जाते हैं। रुक! लगता है आपने अपने चेले को कुछ सिखाया ना है, निराश कर दिया आपने मैंने। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं कृष्णा और लवली। अरे और करीब आओ, अरे बीच में इतनी दूरी क्यों है, है? रुको, भाई जी देखो तो इन्हें, छोरी ने डांस करते करते चिपक रही है, सारे मजे लूटेगी आज ही। सर मारे से ना हो पाएगा, मन्ने माफ करो। अरे क्यों ना होगा, तुम सब यहां पर नाचने आए थे ना, और वो भी अपनी मर्जी से। अरे बोलो ना, मुंह क्यों सिल गया सबके? ब्रो, हम दोनों जानते तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। थैंक यू कर रहे हैं मास्टर जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी सारी शर्तें बता रखी थी, और आपने बड़े चाव से मेरी शर्तें कबूल की थी ना, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? आपने तो बहुत टाइम मिला था ना इन सबने सिखाने का। पर जो तुम करवाना चाह रहे हो ना वो डांस नहीं है। जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा अकेले नाचना पड़े, कभी कभी हीरो हीरोइन साथ भी तो नाच सके हैं, है कि नहीं? पर ये भी जरूरी ना है कि हमेशा पूरे कपड़े में नाचा जाए। मैं तो बस आप बड़े सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। कमाल है ना मास्टर जी, डांस के गाता आप हो और सिखा मैं रहा हूँ आप। और ये जो आपके चमचे हैं, दो चार लोगों के सामने तो नाच ना पा रहे हैं, कल को पूरे देश के सामने कैसे नाचेंगे? और ये बात तो आप भी जानो कि भीड़ में हर कोई स्वामी विवेकानंद ना हुए। ये छेड़े नहीं सर जी, नील भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे, हमसे ना हो पाएगा, हमें माफ कर दो। पर एक सेकंड रुको तो, आजा देवी माँ, या देवी जी आपने ये मेजपोश बदल दिया। वो अच्छे बस अभी बदला था। अभी बदला था है? मुझे तो नहीं लग रहा बदला हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कोई काम ढंग से करते है और मैं अपना नाम बदल दूँ। तने बेरा है, जब छोरी वाले अपनी छोरी देते हैं ना तो उस घर की हर चीज बारीकी से देखते हैं। तू तो चाहती है देवी मेरी नाक कट जा। अरे इतनी नाक की तेरी फिकर है तो खुद क्यों नहीं कुछ कर लेती? हाँ
दो दो मुस्टंडे बेटे है तेरे, उन्हें कहना मदद करे। हाँ माँ, मैं जानू तेरी देवी मैया ने, मैं तो कुछ कह ना सकूं। क्या दिन आ गया ना, अब छोरे काम करेंगे। कर रहे हैं मेरे दोनों छोरे काम है, एक नाई के धोरे गया है और दूसरा दादजी का काम संभाल रहा है। पता है ना आपने दादजी का कायना हाथ है, उसे सारा काम करना पड़े है। अरे एक बात बता, वो तेरी माँ का कढ़ाई वाला मेज पोश का है, वो ना बिछा सकी थी? वो क्या दहेज में ले जाओगी, उस पे बैठ के खाना खाएगी है? सोच क्या रही है, वह गई 13 साल पहले, इबना लौट के आएगी वह नचनिया है? कम से कम उसका मेज पोश तो काम आ जाए। हाँ छोरी जा बेटा, संदूक से वो निकाल के ला और वही बिछा दे, इसके कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। माँ तू इसे ही दे ले ठंडक, मैं ले आऊं। बुआ जी आपके पैर में चोट लगी है, आप झुक नहीं पाएंगे, मैं ही जाके निकाल लाती हूँ। आपके पैर में चोट लगी है, मैं ले आती हूँ, पहले ना कर सकी थी। देखा देखा, सारा दिन डस्टी रहती है उसे, लेकिन अभी भी उसे तेरी फिकर है, तेरे पाँव में दर्द है। इस नहीं मारी है चोट, मेरे पाँव में दर्द है, बड़ी फिकर है, जहर दे दे मुझे वो। हाँ देखो क्या बनाया इसने। अरे बिल्कुल बकवास, कोई काम ढंग से ना कर सके। मामा नील जिस तरह एक के बाद एक सबकी बैंड बजा रहा है, मुझे तो लगता है मेरा परफॉर्मेंस आधे घंटे में ही स्टार्ट हो जाएगा। रिलैक्स ट्विंकल, रोशनी को फोन करो। रोशनी सुन, पैसे रख ले और त्यागन के कप की चिंता ना कर, वो हम बदलवा देंगे। हाँ ये पैसे रख ले। अरे वो भी तो मेरा पानदान ले जावे, और जब तक मांगू नहीं तब तक लौटाते ही भी नहीं है। हाँ पर दीदा ले रख ले। दीदा अपने पान से बचाए हैं। मामा रोशनी फोन नहीं उठा रही है। वो रोशनी साथ होती है ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसी को फोन कर रही थी। रोशनी को फिर से फोन करो, कहीं अपना फैसला ना बदल ले। अगर इस रोशनी ने गड़बड़ की ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ ट्विंकल, थैंक गॉड फाइनली। अच्छा सुन, यहाँ पे ना सब गड़बड़ हो गई है, नील के डर से पहले आधे कंटेस्टेंट्स भाग गए और थोड़ी देर में बाकी बच्चे भी भाग जाएंगे, तो तू प्लीज यहाँ जल्दी आ जा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अभी 1.5 घंटे बाद नहीं कभी भी स्टार्ट हो सकता है।
भाई ट्विंकल तू पागल हो गई है क्या? घर में इतना काम बिखरा पड़ा है, बुआ जी ने मुझे बहुत काम करने को दिया है, मैं सारा काम ऐसे छोड़ के कैसे चली आऊं? रोशनी तू पागल है क्या? मैं यहाँ तेरे बिना कैसे मैनेज करूंगी? रोशनी जल्दी आओ। नहीं तो जो तुम इज्जत बचाने के लिए चली थी ना, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे नीलाम करने के लिए, समझी? पर ताई जी, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं लड़की वालों के सामने तुम्हारे पापा जी की रही सही इज्जत भी नहीं रहने दूंगी। और इसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। पर ताई जी, मैंने पहले ही शक था कि यही होने वाला है, हैं? कुछ ना हो सके तेरा है। मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रही थी महारानी मेज पोस्ट लाएगी। महारानी तो यार आराम से मटर गश्ती कर रही है। अरे नील ने फोन दे दिया है, उस पर दिन भर लगे रहे हैं। कह के कोई फायदा भी नहीं है, कुछ कर लो। स्वाति जी आप तैयार हैं ना? आप 2 मिनट में बाहर आ जाइएगा। ना ना ना, मुझसे नहीं होगा ये। मालकिन, मालकिन से बात करती हूँ। बोल, इब के बात हो गई। मालकिन, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप चाहे ना तो हमें 100 जूते मार लीजिए, पर ये इतने छोटे कपड़े पहनकर हमसे यो आइटम नंबर ना होगा। महारे को कुछ ना सुनना है, थारे को अपना ब्याह एक अच्छे घर में करवाना है कि ना, तो अब जा और नाच। मालकिन, मालकिन सच में हमसे ये ना होवेगा। देख छोड़, एक बात कान खोलकर सुन, चाहे जमीन हिलानी पड़े या आसमान गिराना पड़े, यू डांस का प्रोग्राम इस शहर से जाना चाहिए। और इसके लिए तन्ने जो कुछ भी करना है तू कर। अगर थारे नाचने से यो प्रोग्राम बच सके है तो तू नाच, समझ गई? ए, आंगन में पलंग पे चादर बिछा दी ना, और हाँ सारा काम जल्दी से खत्म करके ना भीतर चली जाइए। हाँ। उसको अंदर काहे भेज रही? चुप हो जा, चुप हो जा। सारा काम हो गया, मैं काम करूं क्या? रो क्या जाऊंगा? ले, मैंने तो सोचा था छोरे को देखने आ रहे हैं, और कपड़े तो यही बदले जा रही है। तेरा बैजू 4 घंटे हो गए है कहाँ? हाँ माँ, गया तो वो मोना ब्यूटी पार्लर था। अगर मैं जाती ना माँ तब तक 4 बार तैयार होके आ जाती, पर वो वहां से अखाड़े गया होगा। लगता है मेरा छोरा ना कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। आओ जी आओ। आओ जी आओ जी आओ जी। राम 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 राम। बैठो बैठो, आप बैठो, मैं अभी आई हूँ। हाँ भाई अभी लाऊं। और जी सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जी नहीं, बहुत आराम तो आ गई। सुरिंदर। हाँ माँ आया। मैंने कहा ना चुपचाप खड़ी रहे। हाँ सुरिंदर, अपनी बहन ने समझा। अरे सुबह से एक ही राग आलाप रही है कि रोशनी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अरे क्यों नहीं निकलेगी? क्या अब शकुनी है जो उसके बाहर आने से काम बिगड़ जाएगा? अगर रोशनी अंदर रह जाएगी तो किस थोड़ी ना जाएगी। कम भी हो चाह है ना, पर खुश रहने दे उसने, क्यों तो कचार करना, बेकार कला होगा।
दीदा मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तू भी ना, जो जी में आए कर मरने की। अरे जरा कमर तो मटका, अरे कुछ कर तो ले। अरे कहाँ जा रही है लक्के? अरे वो आइटम नंबर कब शुरू होवेगा? हम सब तो उसके इंतजार में बैठे हैं। जा रही है लक्के, इधर आ। हम सब यहां मुंबई वालों को बताने आए हैं कि ये जो इनके बांध बनती है ना, यहां नहीं चलेगी। अगर हम सब भी उनकी तरह चलने लग गए तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हा, चल बैठ बिट्टू, गाना चला। सर जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नील को पता चल गया तो उनका भरोसा टूट जाएगा, और अगर नहीं किया तो ताई जी दूंगी। हाँ माँ, अब से मैं ऐसे ही रंग के कपड़े पहनूंगी। ऐसे रंग के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। कितनी अजीब सी बात है, आज इन्हें पहन भी रही हूं तो किसी और के लिए।
मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं जानती हूँ मैंने जो कदम उठाया है वो गलत है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। घंटे हो गए चौबे में गए हुए, मुन्ना ब्यूटी पार्लर कह के गया था, ये करो अच्छू ने फोन लगा। फोन आ गया। हेलो। हाय बेटा, तेन बेरा है तेरा भाई कहाँ चला गया? माँ मनोर कोई काम ना है कि जो उसकी खबर लेता फिरूंगा। चार घंटे हो गए तेरे भाई ने कह के गया था मुन्ना ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ, अब तक नहीं लौटा। बेटा तू जाके देखा के? मामा ने यो एक काम धंधा बचाया के मैं ब्यूटी पार्लर के चक्कर काटता फिरूं इब। अच्छा छोड़, तू एक काम कर, अखाड़े जाके देखा, बर्जिस कर रहा होगा तेरा भाई। माँ ये मैंने ज्यादा परेशान ना करे है, और वो भी दूध पीता बच्चा नहीं, उसने सब पता है कि लड़की वाले आने वाले हैं देखने के लिए उसको। देख तेरी माँ का इज्जत का सवाल है, नहीं तो मैं ना कर जाएगी, जा देखा। ठीक है माँ, मैं सिर्फ वर्जी साड़ा के दौड़ जाऊंगा। मामा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, स्वाति का परफॉर्मेंस भी खत्म हो गया और अब मेरी बारी है, और ये रोशनी अब तक नहीं आई। एक बात याद रखना कि तुम किसी भी कीमत पर हार नहीं सकती, समझी? इसलिए मैं खुद वहां जाकर रोशनी को यहाँ लेकर आऊंगी। लगता है रोशनी आ गई। मैं देखती हूँ। भाई साहब आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आपका पैर तो ठीक से है? हाँ मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक है। अली जी क्या हुआ, वो एक आदमी का फोन आया था, वो कहने लग रहा था कि आपका पैर टूट गया। कहाँ चले गए सब लोग, अगर किसी ने देख लिया तो?